हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि कैसे घर पे ही हम बहुत ही आसानी से ग्लव्स बना सकते हैं और एक ऐसी ट्रिक से बनाएंगे जिसमें हमें कटिंग करने की या ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन ग्लव्स को हम घर में बेकार पड़ी हुई कैरी बैग, क्लोथ बैग, पॉलिथीन बैग से आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसे कैरी बैग को रख लेना है। हम इसे बिना कटिंग किए, बिना ड्राफ्ट के ही बनाएंगे। तो ऐसे हाथ को रख लीजिएगा और हाथ को बहुत ही अच्छे से फैला के रखिएगा और आधा आधा इंच गैप रखते हुए मार्क कर लीजिएगा। उंगलियों को अच्छे से फैला के ही मार्क करिएगा और सिलाई मार्जिन देते हुए मार्क करिएगा। दोनों हाथों के ग्लव्स की मार्किंग कर ली है और अब हमें इसी मार्किंग पे स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे बिना सिलाई मशीन के भी हम इसे बना सकते हैं। तो इस पे ऐसे ही रनिंग स्टिच कर लेना है और यहाँ पे कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही कवर टू फोल्ड में फोल्ड है, तो ये हिलेगा नहीं और हम बहुत ही आसानी से निशान के ऊपर ही स्टिचिंग कर सकते हैं। और अगर कटिंग करके ग्लव्स बनाने से फिर स्टिचिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे होता रहता है इसीलिए, और इस ट्रिक से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और बहुत ही आसानी से हम ग्लव्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर लिया है और अगर आपके पास मशीन है तो आप ये मशीन से भी सिल सकते हैं। ये दूसरा वाला मैंने मशीन से सिल के बनाया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इसे कट कर लेंगे। और कट करके उल्टा कर लेंगे। ये दूसरा वाला भी ऐसे ही हम कट कर लेंगे। और इसे मैंने उल्टा कर लिया है। आप यूं इस तरह कैंची की मदद से या कोई भी पेन पेंसिल वगैरह यूज़ करके इसे उल्टा कर सकते हैं और नीचे आप फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी ही आसानी से हम बिना ही कटिंग किए हुए ग्लव्स को बना सकते हैं इस ट्रिक से जो मैंने बताया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इजी ट्रिक ग्लव्स बनाने का आप सबको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यूज़फुल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।